बिहार में पहली बार किसी ने अति पिछड़ा के बेटा को इतना बड़ा सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। और तो सबों ने लिया, लेकिन किसी मछुआरे के बेटा को इतना बड़ा पद दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आएगा तो देश की रक्षा और धर्म की रक्षा की बात करेगा। आज इस मंच पर हम लोगों के बीच उपस्थित होने वाले हैं भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री, जिनके चाणक्य नीति को सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाते हैं। और सबों ने कहा कि वो 370 और साथ में बरसों बरस सैकड़ों बरस से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि जो विवाद में था, आज उस राम जन्मभूमि को पर दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण करने वाले आ रहे हैं हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी। जोरदार ताली बजाकर उनके नाम पर स्वागत अभिनंदन, ताकि उनको जहाज में भी सुनाई दे। उपस्थित हमारे इस मंच पर मंचासीन भारत सरकार के मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, विधायकगण, विधान पार्षद के सदस्यगण, पार्टी के पदाधिकारीगण एवं उपस्थित देश भक्तों की टोली, मैं सबको शीश नवाकर चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुवर, दुनिया में एक ऐसे नेता निकले जिन्होंने आवाज बुलंद की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये जमीन पे दिखाई देता है। आज उसी का परिणाम है कि एक मछली मारने वाला, मखाना चुनने वाला, मछली बेचने वाला, नाव चलाने वाला मछुआ का बेटा को आज नरेंद्र मोदी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने नेता प्रतिपक्ष का ये जो दायित्व तो सौंपा है, ये उसी स्लोगन का देन है। मुझे बड़ा ही प्रसन्नता है कि आज लोग कहते हैं कि बिहार में पहली बार किसी ने अति पिछड़ा के बेटा को इतना बड़ा सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यह पहली बार अवसर है कि एक मछली मारने वाला के बेटा को, मछली बेचने वाला के बेटा को वोट तो सबों ने लिया, लेकिन किसी मछुआरे के बेटा को इतना बड़ा पद दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए अपने तमाम बिहार के अति पिछड़ा मलाहों के ओर से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ओर से, अपने समस्त प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को शीश झुकाकर नमन करता हूं। बंधुवर, भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल लोग रोड नाला, बिजली, सड़क, पानी के लिए ही वोट नहीं देते। उनके मन में एक आस होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आएगा तो देश की रक्षा और धर्म की रक्षा की बात करेगा। धर्म की रक्षा का बात का मतलब केवल सनातन से नहीं है, सनातन का अर्थ होता है सभी धर्मों का मूल। तो सनातन का रक्षा हो गया, सभी धर्मों का रक्षा हो गया। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे और यह जय घोष आपको जीवन भर करना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी देश का रक्षा और धर्म का रक्षा करता है। आपको भी संकल्प लेना है, मैं बोलूंगा कि देश का रक्षा कौन करेगा। पूरा वीर भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस का बाजू में दम्भ भरते हुए बोलना है, हम करेंगे, हम करेंगे। जरा प्यार से बोलेंगे, अरे देश का रक्षा कौन करेगा, देश का रक्षा कौन करेगा, धर्म का रक्षा कौन करेगा,
अरे धर्म का रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत शुभकामना।